ने जो पोस्ट किया है, हम इसके कायल हैं, क्योंकि 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन पर इसकी अच्छी कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं। बहुत सारी चीजों का जवाब कोरा कागज होता है। अगर आपने खत में कोरा कागज दे दिया, इसका मतलब यह है कि आप क्या कहना चाहते हैं हम समझ गए। तो उन्होंने कहा आप एक व्यंग्यकार हैं, इसके बड़ा कोई व्यंग्य 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन पर हो ही नहीं सकता जो आपने किया। किसी ने कुछ टिप्पणियां उसकी लेके आया था, कोरे गए कोरे आए मेरे रुपये खर्च कराए। ये 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कोरा रहा इस पोस्ट की तरह। वाह, आज संदर्भ 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में आपका ऐलान पढ़कर मजा आ गया। आपने बिल्कुल सही संकेत दिया है, यह हिंदी सम्मेलन ऐसा ही कोरा था। इनके सम्मेलनों से कुछ होता तो है नहीं, और न ही इनके बारे में कुछ लिखने को ही है। आप क्या लिखते हैं? तो ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई मुझे, मैं समझ में गया। कौन कहता है कि व्यंग्य लिखा जाता है, कौन कहता है कि व्यंग्य बोला जाता है? कागज कोरा छोड़ना, अरे ये तो विरोध की परंपरा है। तो क्या चक्रधर जी आप भी विरोध? ठीक था, आप तो वहां प्रमुख थे। चलो जाने दीजिए यार। अब इस अभिव्यक्ति में आप देखिए कितनी सहजता है कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, सरकार ने आपको कहा है, पैसा भी दिया है कि आप अखबार निकालिए, आप अपने मन से लगे भी हुए हैं, लेकिन यही है जाने भी दो यारों। तो ब्लॉगिंग के पीछे जब जाने भी दो यारों वाला एक मुक्त भाव है, ये इसकी ताकत, क्योंकि आप किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, आप अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात को चाहते हैं कि दूसरों तक पहुंचे और दूसरे उसको सराहें और चाहें। अब समस्या क्या है कि अंग्रेजी में तो ब्लॉगिंग की उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है, हिंदी का ब्लॉग पहला किसने बनाया, कहाँ बना, ये इतिहास की बातें। खूब सारे हमारे पास एग्रीगेटर्स हैं जो ब्लॉग का वर्गीकरण करते हैं, नारद है, अक्षरग्राम है, शिक्षा जगत है, और अमेरिका में भी मुझे बहुत सारे लोग मिले जो एग्रीगेटर हैं और जो वर्गीकरण करते हैं। लेकिन एक बात जो चिंता की होते हुए प्रसन्नता की है, और सन्नता की, प्रसन्न होने से ज्यादा सन्न होना कई बार आकर्षक लगता है, कि 9 करोड़ से ज्यादा ब्लॉग संसार भर में बने हैं और ब्लॉगर्स की एक सोसाइटी है, हम आदान प्रदान करते हैं अपनी भावनाओं का, विचारों का। हिंदी में कितने हैं और भारतीय भाषाओं में कितने? ये एक चिंता का सा विषय। हालांकि ब्लॉगर्स में सर्वाधिक जो बाजी मारी है वो एशियन से मारी। मैं जापान गया, जापान में जो भी मित्र मिला उसका ब्लॉग था। मेरे ख्याल से आंकड़े मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम नहीं है, लेकिन जापान में सर्वाधिक ब्लॉग बनाए जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजी में शायद 33% अंग्रेजी में ब्लॉग हैं, उससे ज्यादा 38% जापानी में। चाइनीज का नंबर तीसरा है जो 8% पर है। चाइनीज बहुत ब्लॉग के जरिए अपने आप को अभिव्यक्त करने के कर्म कौशल रखते हैं। हमारी हिंदी का क्या आलम? हमारी हिंदी में जितने हैं वो संख्या में अभी नहीं बता रहा, लेकिन एक प्रसन्नता की बात बता रहा हूं कि जुलाई महीने में जितने थे उनसे दुगने हैं आज। जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 900 के करीब थे। 4 गुने तो हो जाने चाहिए। अभी क्या संख्या है? मैंने मेरे आज के आंकड़े के हिसाब से हिंदी में 2100 हो गए। बहुत अच्छा, तो 900 थे, 2100 हो गए, दुगने से ज्यादा हो गए। लेकिन तमिल भाषा से भी हम पीछे हैं। तमिल ब्लॉग हिंदी ब्लॉग से अधिक हैं संख्या में। संख्या से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये संख्या 6 महीने में दुगनी हो जाए, ये अभी तक का इतिहास था, लेकिन अगले 2 महीने